गाइस, मैंने रिसेंटली एक ऐसी चीज खरीदी है, शायद इंडिया में ये वाली चीज किसी और के पास होगी। इसको बोलते हैं क्योशो आरसी सर्फिंग बोट। इसको हम लोग पानी के ऊपर चला सकते हैं। ये जो सर्फिंग बोट है ऐसा दिखाई देता है, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। मेरे पास बहुत सारी सुपर फास्ट बोट्स भी है, वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो शैडो स्टॉर्म बोट है, वेलोसिटी बोट है और FT009 बोट भी है। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इसकी फाइट बोट्स के साथ, देखते हैं आज कौन जीतता है। लेट्स स्टार्ट। तो आज देखते हैं ये सर्फिंग बोट कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सर्फिंग बोट 1:5 स्केल मॉडल पे बनाया गया। इसके अंदर 7.2 वोल्ट की 2200 mAh बैटरी भी दी गई है। फटाफट से बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। यार, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा दें। तो बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर भी और भी बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस दिए गए, जैसे कि ये एक बॉक्स है। पहले इसको ही अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा, तो हमारा जो मेन सर्फिंग बोर्ड है इसके अंदर ही दिया गया है। ये निकाल लेता हूं मैं यहां से। ओ भाई, काफी ज्यादा बड़े साइज का है, डिजाइन बहुत ज्यादा एक सर्फर बोर्ड जैसा ही दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, मजा आ गया यार इसको देखकर। बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है, बहुत ही मजबूत वाला प्लास्टिक यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। यहाँ पर देखो गाइस, ये है इसकी प्रोपेलर, इसके अंदर मोटर दी गई है। यहाँ पर इसका सर्वो है, सर्वो मैं आपको पूरा ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ से हम लोग इसको खोल भी सकते हैं और ये जो ऊपर का कवर है इसको भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसके अंदर और भी छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्सेस है, इसके अंदर तो कुछ है नहीं यार। यहाँ पर है इसकी यूजर गाइड, ये एक बहुत ही अलग चीज है यार, इसलिए उसको चलाने से पहले मैं जरूर यूजर गाइड पढ़ूंगा। यहाँ पर और भी बॉक्सेस है, जैसे कि शायद इसके अंदर मेरे को इसका रिमोट कंट्रोलर लग रहा है। ये खोल दिया मैंने बॉक्स को। हाँ गाइस, अरे नहीं यार, इसके अंदर तो इसका राइडर दिया गया है और बैटरी दी गई है, इसका भी साइज ज्यादा बड़ा दिया गया है और इसके ऊपर ऐसी रबर की कोटिंग भी दी गई है ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जा सके। पर एक और बॉक्स है, शायद इसके अंदर इसका रिमोट कंट्रोलर होगा। क्योशो के रिमोट्स बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं यार। यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई है, जैसे कि ये देख सकते हो चार्जर है, कुछ एक्स्ट्रा वायर्स वगैरह दिए गए हैं। ये इसका प्रोपेलर गार्ड है। ये रहा गाइस इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट भी काफी ज्यादा सॉलिड मेरे को लग रहा है गाइस। ओ माय गॉड, क्योशो के आरसी कार्स में बिल्कुल ये वाला ही रिमोट दिया जाता है। स्टीयरिंग एकदम मक्खन की तरह स्मूथ दी गई है, देख रहे हो गाइस। ओ माय गॉड, ग्रिप काफी ज्यादा तगड़ी दी गई है। नीचे की तरफ 3AA बैटरीज डालनी पड़ती है, ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग ट्रिम है, थर्टल ट्रिम है, फॉरवर्ड स्टीयरिंग ड्यूअल रेट है। ओ भाई, इतने ज्यादा कंट्रोल्स मैं पहली बार कोई आरसी बोट के अंदर देख रहा हूँ। इसके स्क्रूज मैंने खोल लिया है, यहाँ से इसको हटा दिया मैंने अंदर। ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा पावरफुल मोटर होगी, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। यहाँ से मोटर का शाफ्ट जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से और ये इसका कूलिंग सिस्टम है। इसके ऊपर देखो यार, एक तार लपटी हुई है और इसके अंदर से पानी जाकर मोटर को कूल करता है। यहाँ पर इसका सर्वो है, सर्वो भी बहुत बड़े साइज का है। अब सर्फिंग बोर्ड के ऊपर मैंने राइडर को भी लगा दिया है, अब इसका एक प्रॉपर लुक देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग इसको एक बार चलते हुए देख लेना गाइस, ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि कोई आदमी ही इस सर्फिंग बोर्ड को चला रहा है। अगर ये राइडर किसी चीज से टकरा भी जाता है तो गाइस ये बिल्कुल भी ऊपर से टूट के नीचे नहीं गिरा, क्योंकि नीचे एक ओ रिंग भी दिया गया है। यहाँ से ये पूरी तरीके से ऐसा फ्लेक्सिबल भी हो जाता है और ये चलाते वक्त भी गाइस आगे पीछे ऐसा होता ही रहता है। बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है। अगर इसका साइज मैं अगर बोट के साथ कंपेयर करके बताऊं तो यहाँ पर मेरे पास सबसे ज्यादा बड़े साइज की बोट है FT009। ये FT009 इसके सामने कितने ज्यादा छोटे साइज की लग रही है, आप खुद देख सकते हो। और ये सबसे ज्यादा पावरफुल एम्फीबियस शार्क को भी रख दिया है। तो चलो गाइस अभी चलते हैं तालाब के पास, वहां पे कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस मैं आ चुका हूँ ये बहुत बड़े तालाब के पास इसको टेस्ट करने के लिए। आज हवा भी बहुत ज्यादा चल रही है, हवा आने पर ही इसको चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। चलो गाइस अभी इसको डालते हैं तालाब के अंदर। ये बहुत ऊपर से मैंने इसको फेंक दिया है पानी के ऊपर और ये बहुत दूर भी जाके गिरा है। इसके अंदर मैंने एक चीज नोटिस की है, अगर ये पानी के ऊपर पलट भी जाता है तो अपने आप सीधा भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ राइटिंग फीचर दिया गया। तो चलो अभी इसको चला के भी दिखा देता हूँ। इसकी कंट्रोलिंग सच में यार एक आरसी बोट से भी ज्यादा अच्छी दी गई है, क्योंकि इसके साथ आरसी कार का रिमोट दिया गया है। इस वजह से मैं इसको बहुत ही छोटे से एरिया में टर्न करा पा रहा हूँ। ओ माय गॉड, स्टंट्स तो यार ये बहुत कमाल के कर रहा है। अगर ये पानी के ऊपर लहरें और ज्यादा भी आती है तो गाइस इसको मैं बहुत आराम से चला सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये जो चीज है ना समंदर में चलाने के लिए बनाई जाती है बड़ी बड़ी लहरों के ऊपर। अब इसकी पावर टेस्ट करके देखते हैं। ओ माय गॉड, ये तो मेरे को ही खींच के लेके जा रहा था पानी में, जैसे जैसे करके मैंने इसको अभी रोक रखा है। देखो गाइस पूरी पावर लगा
चलाने पर अब ये मेरे हाथ से छूट चुका है भाई। इतनी ज्यादा अमेजिंग चीज मैं पहली बार चला रहा हूँ यार। इसकी पावर देखकर मैं खुद हैरान रह गया अभी। अब FT-009 RC बोट को टेस्ट करके देखते हैं। ये बोट को बिल्कुल भी कम मत समझना यार, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल WL टॉयज की मोटर दी गई है। ये लहरों को चीरती हुई आगे जा रही है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, फिर भी देखो यार ये लहरों के ऊपर से जंप मार के निकल रही है। दोस्तों अब ये शैडो स्टॉर्म अल्फा रेव आरसी बोट को टेस्ट करके देखते हैं। ये भी एक सिंगल प्रोपेलर वाली बहुत ज्यादा पावरफुल आरसी बोट है। इसकी भी स्पीड आप देख सकते हो यार कितनी ज्यादा दी गई है। ये बोट तकरीबन 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड से पानी के ऊपर दौड़ सकती है। आप रेस कराते हैं सर्फिंग बोट की FT-009 बोट के साथ, देखते हैं जिन दोनों में से कौन जीतता है। सर्फिंग बोट बहुत ज्यादा आगे निकल गया, पर FT-009 की स्पीड देखकर अचानक से बढ़ चुकी है। यहाँ पे FT-09 इसको टेक ओवर करने ही वाली थी, पर सर्फिंग बोट ने इसको धक्का मार के पानी के ऊपर पलटा के रख दिया है। क्लियरली यहाँ पर सर्फिंग बोट जीत चुका है रेस को। ओ माई गॉड, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है भाई। अब ये सर्फिंग बोट की रेस कराते हैं वेलोसिटी बोट के साथ, देखते हैं जिन दोनों में से कौन जीतता है। दोनों के बीच में एकदम खतरनाक वाली रेस चल रही है और दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे थे, पर वेलोसिटी बोट ने अपनी स्पीड बढ़ाकर बहुत ज्यादा आगे निकल गई यार। ओ माय गॉड, स्पीड तो देखो यार वेलोसिटी बोट की कितनी ज्यादा है। अब यहां से दोनों को टर्न करा लेते हैं। वेलोसिटी बोट की कंट्रोलिंग थोड़ी सी खराब है यार, ये टर्न होने में बहुत ज्यादा टाइम ले चुकी है। इसी बात का फायदा उठाकर सर्फर बोट वापस से जीत चुका है रेस को। अब सर्फर बोट की मैं रेस कराने वाला हूँ शैडो स्टॉर्म बोट के साथ, देखते हैं जिन दोनों में से कौन जीता है। शुरुआत से ही शैडो स्टॉर्म बोट बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। सर्फर बोट पूरी कोशिश कर रहा है इसको ओवरटेक करने के लिए, पर इसके अंदर मैंने फुल थ्रॉटल भी दबा रखा है, फिर भी ये स्पीड से नहीं चल रहा यार। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि शायद इसकी बैटरी डाउन हो गई होगी, क्योंकि इसके अंदर NIMH बैटरी दी गई है। ये बैटरी एकदम बेकार किस्म की होती है यार। देखो गाइस, फुल थ्रॉटल भी दबा दिया मैंने, फिर भी ये स्पीड से नहीं चल पा रहा है। क्लियरली यहाँ पर शैडो स्टॉर्म बोट ने जीत लिया रेस। अब इसकी मेरे पास कोई दूसरी बैटरी नहीं है यार, अब मेरे को इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में रेस कराने वाला हूँ मैं। इसके अंदर बैटरी खत्म होने के बावजूद भी इनिशियल पिकअप बहुत ज्यादा दिया गया है। इसकी स्पीड देखो यार कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी अभी का भी। तो अब इसका तगोफोर कराते हैं FT-009 बोट के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। FT-009 के अंदर WL टॉयज की मोटर लगी हुई है। यहाँ पे FT-009 बोट पूरी कोशिश कर रही थी सर्फर बोट को खींचने के लिए अपनी तरफ, पर ये सर्फर बोट बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। बैटरी खत्म होने के बावजूद भी इसने FT-009 बोट को तगोफोर में हरा के रख दिया है। अब वेलोसिटी बोट का टग ऑफ वॉर कराते हैं सर्फर बोट के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। ये वेलोसिटी बोट बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके ऊपर पानी फेंक कर इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, और ये धीरे धीरे करके सर्फर बोट को खींच भी रही थी। फिर मैंने जैसे ही फुल थ्रॉटल दबाया सर्फर बोट के अंदर, सर्फर बोट ने इसको खींचना चालू कर दिया है, और वेलोसिटी बोट इसको डुबोने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर सर्फर बोट जैसे जैसे करके पानी के ऊपर तैर कर इसको खींच कर लेके जा रहा था। क्लियरली वापस से सर्फर बोट यहाँ पे जीत चुका है टग ऑफ वॉर में। ये शैडो स्टॉर्म बोट ने सर्फर बोट को पूरी तरीके से रेस में हरा दिया था। अब इन दोनों के बीच में कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं गाइस कौन जीतता है। यहाँ पर शैडो स्टॉर्म बोट पूरी पावर लगाकर सर्फर बोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, पर सर्फर बोट भी कुछ कम है नहीं यार। मैंने जैसे ही फुल थ्रॉटल दिया है इसने भी हरा के रख दिया यार शैडो स्टॉर्म बोट को। अब शैडो स्टॉर्म की टग ऑफ वॉर कराते हैं एम्फीबियस शार्क और डबल साइडेड बोट के साथ, देखते हैं गाइस ये इकट्ठा इन दोनों को हरा पाता है या नहीं। ये दोनों मिलकर इसको डुबोने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर इसने यार इन दोनों को भी खींचना चालू कर दिया यार बैटरी कम होने के बावजूद भी। गाइस ये सर्फर बोट इतना ज्यादा पावरफुल है और इतना ज्यादा टफ है कि यार मैंने इसको पानी के ऊपर बहुत ऊपर ऊपर से भी फेंक के देखा है, ना तो ये डूबता है ना तो ये टूटता है। अब ये वेलोसिटी बोट को टेस्ट करके देखते हैं। पानी के ऊपर मैंने इसको फेंक दिया, ये पलट चुकी थी पूरी तरीके से, पर इसके अंदर एक ऐसा फीचर है यार, देखो ये जो बोट है अपने आप ही सीधी हो जाती है। सेम फीचर शैडो स्टॉर्म बोट के अंदर भी दिया गया है। इसका डिजाइन इतना ज्यादा यूनिक है कि ये पानी के ऊपर पलटती ही नहीं है। अगर आप इसको जबरदस्ती पलटने की कोशिश भी करोगे ना गाइस, ये अपने आप ही सीधी भी हो जाती है। सेम यूनिक फीचर एम्फीबियस शार्क और डबल साइडेड बोट के अंदर भी दिया गया है। एम्फीबियस शार्क पलटने के बाद सीधी नहीं होती है, पर ये चलती है यार। इसको हम लोग दोनों तरफ से चला सकते हैं जैसे कि डबल साइडेड बोट को चला रहा। तो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को FT-009 बोट के अंदर लगी। ये बोट नो डाउट बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत स्पीड से चल सकती है, पर अगर ये एक बार पानी के ऊपर पलट जाती है तो यार इसको हम लोग बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर सकते हैं। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, आपको ये यूनिक सा दिखाई देने वाला सर्फिंग बोट पसंद है या फिर ये फास्ट चलने वाली आरसी बोट पसंद है। चलो भी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है कौशिक, शाजीब, संकेत, इंदर, नशरत, संजू, निश्चल, मोनू, आगम, ज्योत, जयपाल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।